हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और चिकन की रेसिपी आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने। ये हमने पालक को कट करके रख लिया था। ये उसमें जो मसाले ऐड होंगे, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ठीक है जी। पालक को बिल्कुल रफली काट लें क्योंकि इसने बॉयल होके ग्राइंड होना है। ये हमने वॉश करके इसमें हमने ऐड कर लिया, एक देचके में ऐड कर लिया, ठीक है जी। बड़ा सा देचका ले ले, जितनी पालक मतलब के खुले बर्तन में होगी ना उतनी इजीली मतलब के बॉयल हो सकती हैं, ठीक है जी। इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करें और वॉश करके इसके एक देचके में अच्छे तरीके से वॉश करें ताकि इसमें वो मिट्टी वगैरह ना हो। ये मसाला है कुछ ग्राइंड करके रखा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वो वाला मसाला ना, इसके अंदर ग्राइंड करके हम डालेंगे, ठीक है जी। ये हमने कढ़ाई ली, उसमें ऑयल मसाला ऐड किया ताकि इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाए। ये पालक को मैंने ग्राइंड करके रख दिया था, ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं आपको पार्ट्स कुछ दिखाए क्योंकि सबको ग्राइंड करनी आती है और जो भी है मतलब कि है ना सब कुछ आता है, ठीक है जी। पालक को बॉईल करके एक बॉल में निकाल लें और इसके अब अंदर मैंने अब ऑयल ऐड किया। उससे पहले मैंने वैसे ही इसको मसाला ऐड किया था ड्राई करने के लिए रख दिया ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी वो ड्राई हो जाए, ठीक है। मसाला अपनी जगह पे आ जाए, मसाला जो है ना मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और जो बाकी का मसाला था वो आपके सामने ब्राउन हो चुका है, ठीक है जी। अब इसमें जो पूरा गर्म मसाला ना वो ऐड किया है, इसमें जो स्पाइसेस है डाबर मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है, हल्दी, नमक और गरम मसाला, थोड़ा गरम मसाला नहीं सॉरी कुटा हुआ जीरा, ठीक है जी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर, सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है जी। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे, ठीक है। जितना आप मसाले को ना अच्छे से फ्राई करेंगे ना उतना ही इसका टेस्टी होगा। ये इसके अंदर जो पालक हमने ग्राइंड करके रखी थी इसके अंदर सारी ऐड कर दें, ठीक है। और कोशिश करें पालक में ना जब आप ग्राइंड कर रहे हैं ना बहुत कम पानी इसमें डालें, बल्कि डालने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है जी। और जो बाकी का मीन्स पालक जब बॉयल करते हैं ना बाकी का स्ट्रेन करके एक साइड पर रख दें, उसको फेंके ना, वो ही इसके अंदर वापस ऐड कर दें। ये चिकन जो वॉश करके रखा था वो इसके अंदर अब ऐड कर देंगे, ठीक है जी। सारे चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे 5 to 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ठीक है, ताकि इसका अच्छे से टेस्ट आ जाए। बाद में इसमें ना पानी ऐड करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स वेल करेंगे, ठीक है जी। मैंने 10 मिनट के लिए इसे पूरा फ्राई किया था। शॉर्ट क्लिप आपको दिखा रही हूँ ना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके अंदर दही ऐड करेंगे, एक कटोरी पूरी भर के दही ऐड किया मैंने इसके अंदर, ठीक है जी। इसे ऐसे अच्छे से मिक्स वेल करेंगे और यकीन जाने बहुत टेस्टी बनी थी, जैसे बाहर देख वाले नहीं अंकल बनाते हैं, अंकल ही कह सकते हैं, शादी में जैसे बनती है सब सेम वैसे ही बनी थी। टेस्ट इसका ना बहुत अच्छा है। ये देखिए मैंने ये वही पानी इसके अंदर ऐड किया, सारा ना डालें, बाकी का आप मीन्स वेस्ट कर दें, हाफ इसमें डाल दें ताकि ये जो अच्छे तरीके से चिकन है ना वो ना अच्छे तरीके से पक जाए, ठीक है जी। इसे 10 मिनट के लिए रख दें जब तक ये पानी ड्राई नहीं होता। और ये देखें इसमें है तो थोड़ी, ये यहाँ पे समझ लें कि आपको थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही फ्राई करना है, यहाँ पे बच के रहना आप सब, क्योंकि जो जो ये ट्राई करेगा वो ना इसकी ना वो बबल्स बहुत ज़्यादा बन के ना बाहर की तरफ आते हैं, तो ज़रा बच के। ये देखें अभी भी आ रहे वीडियो।